अगर आपके मन में कोई जज्बा है और कुछ करने का जुनून है तो आपको कोई भी मुसीबत कोई भी बाधा नहीं रोक सकती है। हेलो, दिस इज हर्षित सिंह एंड वेलकम बैक टू आवर चैनल। और साथियों, आज हम लोग बताएंगे जो इस कोविड के समय जो हम लोगों की जर्नी रही है, जो इनोवेशन फॉर चेंज की जर्नी रही है, उस जर्नी को हम लोग आज शेयर करने की कोशिश करेंगे। जैसा कि दोस्तों 3 मार्च को हमारे यहाँ एग्ज़ाम ख़त्म हो गया था इनोवेटिव पाठशाला में, और उसके बाद क्या हुआ कि एग्ज़ाम ख़त्म होने के बाद हम लोगों का एनुअल डे था 7 तारीख को, और जो एनुअल डे था SNA में हम लोगों का एनुअल डे था, लेकिन वो हमने एनुअल डे SNA में ना करके हम लोगों ने अपने सेंटर पे ही किया। बिकॉज उस समय जो न्यूज़ आना शुरू हो गई थी कि दिल्ली में सबसे पहला पेशेंट मिल गया, जो इधर नॉर्थ जोन का सबसे पहला पेशेंट दिल्ली में मिल गया, तो हम लोगों के मन में बहुत ज़्यादा डर था। बच्चों को लेके एक सुरक्षा की भावना से हम लोगों ने उसको सेंटर पे किया। उसके बाद होली की छुट्टियाँ थी, सेलिब्रेशन भी होली का हम लोगों ने बहुत लिमिटेड लेवल पे ही किया, बहुत ज़्यादा इसको एक बड़े लेवल पे हम लोगों ने जो करते हैं वो हम लोगों ने नहीं किया। और उसके बाद 12 तारीख से आ गया कि सारे स्कूल और चीज़ें बंद हो जाएंगी, तो हम लोगों ने भी स्कूल बंद कर दिया। खैर, हम लोगों का स्कूल हर साल ऐसे ही बंद हो जाता है होली से पहले ही, और फिर हम लोग उसको नवरात्रि में हम लोग स्टार्ट करते हैं इनोवेटिव पाठशाला। सो वो जो समय था स्कूल बंद होने के बाद, टीचर्स ने अपने रिपोर्ट कार्ड बनाए, चीज़ें बनाई, और फिर 18 तारीख तक बहुत ज़्यादा तेज़ी से होने लगा था कोविड। और हम लोगों के मन में भी यही चीज़ थी कि ये मे भी 10 दिन 15 दिन चलेगा, क्योंकि बरसात ज़्यादा है, बारिश ज़्यादा हो रही है, इस वजह से शायद ये कोविड बहुत तेज़ी से फैल रहा है, और इसके बाद समय के साथ ये सारी चीज़ें सही हो जाएंगी। हम लोगों ने यही सोच के 18 के बाद हम लोगों ने भी आना बंद कर दिया। एज इट इज़ हम अप्रैल से हम सेशन को शुरू कर लेंगे। और 20 मार्च के बाद फिर 22 मार्च को जो जनता कर्फ्यू हुआ, और जनता कर्फ्यू के बाद 25 से पूरा लॉकडाउन हो चुका था चारों तरफ, और पूरा लॉकडाउन हर तरफ से, जहां भी हम लोग न्यूज़ देख रहे हैं या जो भी चीज़ें देख रहे हैं, हर तरफ से वही न्यूज़ आ रही है कि कोरोना। और एक तो सबसे बड़ी दिक्कत या परेशानी कि आप घर से निकल नहीं सकते हैं, एक तो पेरेंट्स का, आपके पेरेंट्स का एक जिम्मेदारी आपके ऊपर, वो मना कर रहे हैं, वो डर आप पर। दूसरा डर ये कि चारों तरफ पुलिस और ये सारी चीज़ें कि आप बाइक लेकर नहीं निकल सकते हैं, घर से बाहर ही नहीं निकलना है। और लेकिन उस बीच भी एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी बच्चों की कि आपका बच्चों का कॉल भी आ रहा है, बच्चों की जिम्मेदारी भी पूरी करनी है। लॉकडाउन तो हुआ है 22 तारीख को, लेकिन जो उनके पेरेंट्स हैं और जो उनके घर के लोग हैं जो दिहाड़ी मजदूरी का काम करते हैं, उन्होंने काम करना बंद कर दिया था होली से पहले ही। तो किसी के पास अब 10 दिन बीत चुके थे, 12 दिन बीत चुके थे, और किसी के पास पैसा नहीं था। वो जो दौर था उस समय हम लोगों को भी यही चीज़ फील होती थी कि हम लोग कैसे खाना खा लें, बच्चों ने खाना खाया होगा कि नहीं खाया होगा, ये जो उलझन थी। और दूसरी तरफ ये चीज़ समझ में आ रही थी कि अगर हम लोग घर के बाहर निकलेंगे तो मतलब कोविड हो जाएगा, और कोविड हो जाएगा उस समय उस चीज़ को इस तरीके से दिखाया जाता था कि अगर आपने घर से बाहर कदम रखा नहीं आपकी डेथ हो जाएगी। लेकिन हम लोगों ने डिसाइड किया नहीं, हम लोग फील्ड में आएंगे और हम लोग काम करेंगे, और हम लोगों ने 20 तारीख से हम लोगों ने काम करना शुरू कर दिया था, और हम अपने सेंटर्स पे आने लगे। हमने प्रॉपर परमिशन ली एडमिनिस्ट्रेशन के थ्रू परमिशन लेने के बाद हम लोग 20 तारीख से 20 मार्च से हम लोगों ने काम करना शुरू कर दिया। दिक्कत थी लेकिन फिर भी हम लोगों ने डिसाइड किया फाइनली कि हम लोग कम्युनिटी में जाएंगे और लोगों के बीच में हम लोग काम करेंगे। हम लोगों ने पूरी सुरक्षा के साथ में मास्क, ग्लव्स और सर पे कुछ ना कुछ लगा के हम लोग निकले, और हम लोगों ने अपने तीनों कम्युनिटी में राशन डिस्ट्रीब्यूट किया। बहुत बड़ा चैलेंज तो था हम लोगों के लिए, और हम लोग फिर भी हार नहीं माने। जैसा कि इतना बड़ा पैंडेमिक है, घर से निकलना भी मना है, लेकिन कहाँ तक बैठा जा सकता है, इस तरह बैठ करके अपना समय भी नहीं वेस्ट कर सकते हैं, क्योंकि हमारे पास इतना सारा कॉल्स आना और लोगों की मुसीबतों को देखना, तो हम लोगों की टीम को रहा नहीं गया। और मैं सलाम करता हूँ अपनी टीम को कि इस तरीके से वो लोग निकल रहे हैं, साथ में हमारा साथ दे रहे हैं। तो हम लोग जितने भी लोग थे हम लोग निकले, कई सारी कम्युनिटीज़ के बीच में गए, राशन प्रोवाइड किया, कुंटलों राशन हमारे जो टीम के लोग हैं या हम लोग हैं सब बाइक पर लेकर के आ रहे हैं और स्कूटी पर लाद लाद करके लेकर के जा रहे हैं। तो अपने आप में खुद पे गर्व हो रहा है कि इस तरह के चीज़ों से हम लोग होकर के गुजर रहे हैं। कि पहली चीज़ तो राशन हम लोग को मिल ही नहीं रहा था, और एक दो दुकान पे अगर मिलना भी शुरू हुआ तो सबसे बड़ी समस्या, ना तो ट्रॉली है, ना तो रिक्शा है, ना तो ई रिक्शा है, हम लोग उसको लाएँ तो कैसे लाएँ। यहाँ से करीब 1 किलोमीटर है मार्केट, फिर हम लोगों ने डिसाइड किया कि हम लोग अपनी बाइक के थ्रू हम लोग राउंड में हम लोग क्या करेंगे, जितना भी होता है हम लोग उसको लाद लाद के लाएंगे। एक बाइक पे आप दो दो बोरी, चार चार बोरी लादना, उसके बाद दो दो लोगों को बैठना और इस तरह से लाना रोड से सबसे बड़ा चैलेंज था,
और रही बात अगर राशन प्रोवाइड करने की, तो बीच में लोगों के जा रहे हैं राशन दे रहे हैं, तो ज़रूरत इतनी ज़्यादा है, इतना ज़्यादा लोगों के बीच में ऐसा मारा मारी है, हम लोग वहाँ पर जा रहे हैं तो किस तरह से हम लोग देख लें कि कैसे हम लोग एक सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करें, कैसे चीज़ों का पालन करें। तो वहाँ पर जाना, लोग दाने दाने को तरस रहे हैं और एक दूसरे में मार तक हो जा रही है राशन के लिए, और वो सारी झड़प को भी देखना, इतना हम लोगों ने प्रिकॉशंस के बाद भी इतना डर है, ऊपर से फैमिली प्रेशर, हम लोग सुबह सुबह उठ करके 4 बजे घर छोड़ दे रहे हैं ताकि हम लोग समय पर पहुंच पाए, समय पर चीज़ें कर पाए, क्योंकि बीच में एक टाइम मिल रहा था कि सुबह आप 6 बजे से लेकर के 10-11 बजे तक ही निकल सकते हैं, तो उसी बीच इतना सब कुछ कर लेना एक बहुत बड़ा टफ कॉल था हमारे लिए। इतनी समस्याएं हैं, इतनी सारी परेशानी, उसके बाद भी लोग यहाँ से जा रहे हैं, जो लोग बाहर के हैं वो माइग्रेशन कर रहे हैं, और फिर हमारे एरिया से ही लोग जा रहे हैं, हमारे शहीद पथ से लोग होते हुए जा रहे हैं, तो हम लोग भी कहाँ रुकने वाले हैं। हम लोगों ने फिर सोचा कि क्यों ना, जब इस तरह की न्यूज़ हम लोग सुन रहे हैं कि लोग वहाँ पर पानी नहीं मिल रहा है, एक बिस्किट के लिए लोग परेशान हो रहे हैं, बिलक रहे हैं, तो हम लोगों ने ठाना कि नहीं, अब हम लोगों को निकलना चाहिए और माइग्रेशन लोगों की हेल्प करना चाहिए, उन लोगों तक हेल्प पहुँचानी चाहिए। हम लोगों ने पूरे लॉकडाउन में या जितने भी लोग यहाँ से निकले 20 से 21 दिन हम लोग लगातार गए और लोगों की हेल्प करी, लोगों तक पानी, खाना और भी जो चीज़ें हो सकती थी हम लोगों ने वहाँ पर पहुँचाया, और धीरे 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 इन सारी चीज़ों की तरफ हम लोग आगे बढ़े। और आज का वो दिन है कि आज हम लोग लगभग 8,000 से ज़्यादा परिवारों को राशन मुहैया करा पाए हैं। कई सारे ऐसे लोग हैं जो आज खा पा रहे हैं, स्वस्थ हैं, सुरक्षित हैं, और हमारे जो बच्चे पढ़ते हैं, जो हमारी फर्स्ट प्रायोरिटी है, बच्चे हमारे, वो भी हम लोगों के साथ हैं और अच्छा कर रहे हैं, अच्छे से घर पे रह रहे हैं, पूरा टाइम का मील उन्हें मिल रहा है, और काफ़ी सारी चीज़ें बहुत बेहतर हो चुकी हैं पहले से। सबसे बड़ी समस्या थी बच्चों की पढ़ाई, उस टाइम हम लोगों ने ऑनलाइन क्लासेस स्टार्ट की, क्लास स्टार्ट करने में काफ़ी समस्याएं आई, लेकिन इस समय हम लोगों के साथ में 21 से 22 बच्चा जुड़ा हुआ है और वो काफ़ी अच्छे से वो क्लासेस अटेंड कर रहा है। इतनी सारी जद्दोजहद करने के बाद भी कि हम लोगों को कहाँ खाना प्रोवाइड कर रहे हैं, लोगों को खाना पका के खिला रहे हैं, उसके बाद हम दवाइयों के लिए मदद कर रहे हैं, जो भी हम लोग बेस्ट पॉसिबल चीज़ है वो सारी चीज़ें करने की कोशिश कर रहे हैं, उसके बाद भी हम लोगों ने अपने आप को लाचार और मजबूर तब समझ में हम लोगों को आया जब रोहित के थ्रू पता चला कि हम लोगों की एक स्टूडेंट है जिसकी डेथ हो गई। आज हमें 5 से 6 साल हो गया इन बच्चों के साथ काम करते हुए, ये बच्चे छोटे थे और फिर वो बड़े हो रहे हैं, वो सिचुएशन हम लोगों ने देखी, वो पूरा फेज़ हम लोगों ने देखा, तब उनके जाने का, उनके ना होने का हम लोगों को वो जो दुख है वो दुख हम लोगों को समझ में आता है। तो ये जो चीज़ थी इसको समझना बहुत ही ज़्यादा हम लोगों के लिए मुश्किल हो गया था कि हम लोग और कैसे क्या काम कर सकते हैं। रेगुलरली बच्चों के आँख के नीचे काला गड्ढा दिखना, चीज़ें दिखना, फिर हम लोगों ने स्टार्ट किया कि हम लोग पर डे बच्चों को एक, जो हम खाना पका के दे रहे हैं वो तो दे रहे हैं, उसके अलावा हम लोग एक मील प्रोवाइड करेंगे। इस वायरस के चलते इतना डर था कि हम लोग जो सर्दियों के पुराने कपड़े थे वो वुलन क्लोथ्स को पहन करके निकलते थे घर से। हम लोगों ने जब कम्युनिटी के बीच में रहे तो पूरी कम्युनिटी को कई बार हम लोगों ने सैनिटाइज किया पूरी पीपीटी किट पहन करके, और आपको बता दें कि जब हम लोग वो किट पहनते थे तो जो पूरा शरीर एकदम अंदर से इतना गर्म हो जाता था, इतना खराब लगता था, लेकिन फिर भी हम लोग बीच में आए, हम लोगों ने चीज़ें करी, और उसका जो एक रिजल्ट है कि एक टाइम पे जो जहाँ पर हम लोग काम कर रहे हैं वो रेड जोन बन गया था, तो हमारे लिए वो सबसे बड़ा चैलेंज था, वो उसके बाद भी हम यहाँ पर आकर के चीज़ें कर रहे हैं, लेकिन अब यहाँ पर सारी चीज़ें व्यवस्थित हैं, सभी लोग सुरक्षित हैं और सभी बहुत अच्छे से रह रहे हैं। बहुत सारी ऐसी फैमिलीज हैं जिनकी हम लोगों ने मदद करी, जिनको मदद की बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी। इस दौरान 2 ऐसी फैमिली थी जिनको शादी में पैसे की ज़रूरत थी, उनको भी हम लोगों ने मदद करी। जैसा कि हम सभी एक युवा हैं और युवा होने का बड़ा गर्व है हम सभी को, तो उसके साथ साथ एक फ़र्ज भी बनता है कि हम सड़कों पर आएँ, लोगों के बीच में आएँ, लोगों की समस्याओं को समझें, उनकी जितनी भी चीज़ें चल रही हैं उनकी जानकारी इकट्ठा करें और उनकी मदद करने की कोशिश करें। फिर हम लोगों ने एक संकल्प लिया कि हम लोग रोज़ 100 लोगों को खाना खिलाएंगे, जो ज़रूरतमंद 100 लोग हैं उनको ज़रूर से ज़रूर हम खाना या भोजन मुहैया कराएँगे, जो बहुत भूखे हैं, बेसहारा है, ऐसे लोगों को हम लोग भोजन की व्यवस्था कराएंगे और उन लोगों तक पहुंचने की कोशिश करेंगे। और ये आज वो मुकाम हम लोग हासिल कर पा रहे हैं, और कहीं ना कहीं इस बात की बहुत बड़ी खुशी है कि जो हम लोगों ने ठाना था, जो हम लोगों ने सोचा था, आज हम लोग 100 लोगों को प्रतिदिन भोजन करा पा रहे हैं, तो ये बड़ी सौभाग्य की बात है हमारी टीम के लिए भी और हम सभी के लिए भी, और आप सभी को लोगों को भी बहुत बड़ा शुक्रिया कि आप लोगों का इस तरीके से योगदान है, हम लोगों के बीच में इतना प्यार है, जिसकी वजह से आज हमारी ये युवा आर्मी, हमारी टीम इनोवेशन फॉर चेंज इतना सब कुछ कर पा रही है।